नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। भितरवार विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जखवार में उपद्रवियों ने कोविड 19 वैक्सीन फेंकी और टीम पर हमला किया। गांव के आंगनवाड़ी भवन पर स्वास्थ्य अमले के द्वारा 45 साल से अधिक आयु के महिला पुरुषों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा था, तभी गांव के ही दो युवकों ने वैक्सीनेशन का विरोध करते हुए वैक्सीन को फेंका, साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। मौके पर उपस्थित ग्राम सरपंच मीरा मुजवन सिंह रावत, ग्राम रोजगार सहायक मित्तलाल द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दो युवक राहुल पुत्र पहलवान सिंह रावत, शांतिलाल पुत्र घनसू बाथम धक्का मुक्की करते हुए वैक्सीनेशन कक्ष में घुस गए और वैक्सीनेशन कर रहे स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करते हुए वैक्सीनेशन के बॉक्स को, लगे टेबल कुर्सी आदि फर्नीचर को लात मार कर नीचे फेंक दिया। इससे वैक्सीन के लिए रखी बॉल फूट गई। इस दौरान वैक्सीनेशन कर रहे सीएचओ कुबेर सिंह परिहार, एएनएम संविदा श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गयावती बघेल, आशा कार्यकर्ता ममता रावत आदि के साथ भी धक्का मुक्की करते हुए अश्लील गालियां दी गई। सूचना मिलते ही भितरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली, स्वास्थ्य विभाग से बीसीएम जयंत सिंह यादव मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर तत्काल संबंधित चिकित्सकीय दल के साथ बिलगड़ा थाना पहुंचे। यहां दोनों संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज कराने आवेदन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। पागल है वो। ये तू क्या सोच रहा है? तू किस बात कर रहा है?